हेलो दोस्तों, मैं देव और निफ्टी के अंदर एक छोटी सी पोजीशन मैंने बना रखी है, ठीक है, जिसके अंदर भाई साहब बड़े भयानक कांड चल रहे हैं, बड़े भयानक लॉस चल रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स के अंदर एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो हाल फिलहाल कोई डरने वाली सिचुएशन नहीं है। बाकी स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके अंदर 84 का, मेरा मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है ऑलरेडी कि अगर नीचे डाउन साइड की तरफ अगर 84 के आसपास जाता है तो हम इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। और ये ट्रेड लेने का एक रीज़न है, चलिए रीज़न के ऊपर बात करते हैं, निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, ठीक, कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसको लगाते हैं 30 मिनट, फिर लगाएंगे 15 मिनट। देखो 25,517-18 के बाद में इसमें एक अच्छा खासा एक स्पाइक आनी चाहिए अपसाइड की तरफ, जिसके बाद में अब चार्ट में क्या हो रहा है, 5 मिनट पे सही चल रहा है, ठीक। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारा लॉस दिख रहा है ना, वो आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, इधर देखो नीचे की तरफ लॉस प्रॉफिट इधर दिख रहा है। लॉस प्रॉफिट को नहीं देखना है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस होगा तो हो जाएगा, ठीक। बट जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जैसे ये 25,012-13 के ऊपर निकलेगा, इसके अंदर एक अच्छा खासा विस्फोट होना चाहिए जो हमें लेके जाएगा 25,540 और इसके बाद में 25,580, और नीचे की तरफ जो प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको 91,80,000-90,000, तो उसके बाद 25,580 तक एक अच्छा खासा इसके अंदर स्पाइक आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, मार्केट वहाँ तक जाता है कि नहीं जाता है, और कैंडल बनना चालू और थोड़ा सा ऑर्डर काट लिए जाए को, ठीक है। तो पहले चलते हैं स्टॉप लॉस, सब स्टॉप लॉस हटा देते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारे हट चुके हैं, 117-18 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1200 क्वांटिटी है, 600 क्वांटिटी हमेशा अपने रिस्क 28 पर निकालेंगे, 128 के आसपास जाएगा तो ठीक है, 120 के आसपास घूम रहा है, ठीक है, तो कट जाएगा, नहीं जाएगा ऐसे तैसे कराए निपटी, क्या कर सकते हैं बताओ। तो ये वाले सीन है, बाकी सब मजे ही मजे में है। और निफ्टी भाई साहब इस टाइम पर चल रही है 25,548, ठीक, चार्ट पे चलते हैं, 25,536 निफ्टियाँ चल रही है। निफ्टी के चार्ट के ऊपर फोकस रखो, बस जो होगा ओहो, मैंने कहा था ना कैंडल बनेगी भाई साहब, देख लो 40 तक का हमारा टारगेट था, बट प्रीमियम की रेटें नहीं बढ़ रही है, बट क्या हो रहा है, प्रीमियम की रेटें उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट 25,480 से अपसाइड की तरफ चले गया 60 पॉइंट। मैंने कहा था फर्स्ट टारगेट 25,540 के आसपास, इनको हटा देते हैं, ठीक, रिमूव 5 ड्रॉइंग, ठीक, और इसको भी ये कर लेते हैं। मार्केट गया है फर्स्ट क्लास कैंडल बना के, बट 128 के आसपास नहीं गया, ग्रीन कैंडल बनी है अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं, यही तो मार्केट है, और इसे ही मार्केट की खूबसूरती कहा जाता है कि आप जो सोचते हो मार्केट के अंदर, आपके लेवल्स, आपकी सोच, सब कुछ। देखो अभी जैसे कि हमने निफ्टी के अंदर सोचा, प्लान किया, निफ्टी के अंदर एक स्पाइक आया ज़बरदस्त, हालांकि हमारा जहाँ तक मैंने सोच रखा था, मेरी सोच हमेशा पैसे को लेकर नहीं रहती है, 128 जो मैंने सोचा था तो वो मैंने ऐसे ही नहीं सोचा था, मुझे लगा था 25,540 के आसपास जाएगा, तो इस प्रीमियम की रेट होनी चाहिए 132-134 के आसपास, बट कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गया वहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा तो ठीक है, वरना स्टॉप लॉस तो नीचे है ही, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक। और मार्केट क्या है एक्चुअल में, मार्केट क्या है, मार्केट एक बिजनेस है,
मार्केट एक एजुकेशन है, मार्केट एक आर्ट है जिसे आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे आप दिल से चाह सकते हो, जिसे आप मतलब फॉरएवर हर चीज है। तो इसे मैं मार्केट की खूबसूरती कहता हूँ। और मेरा काम करने का तरीका ये है कि जैसे मैंने सेंसेक्स के अंदर जो ट्रेड ली थी, इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने मॉर्निंग में अर्न कर लिया था। उसके बाद में मैं एक रिस्क ले रहा हूँ निफ्टी के अंदर, और रिस्क मेरा जो रिस्क है वो रिस्क नहीं है, मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। देखो 25,544 के आसपास गया मार्केट, बट जो हमारी ट्रेड है वो 120 के आसपास फंसी पड़ी है, 25,542-43। तो मार्केट एक जिसे कहते हैं ना कि दिल से चाहना, ओहो हमारे ऑर्डर कट चुके हैं भाई साहब 132। मैंने कहा था ना जाएगा वहाँ पर, चलो एक ऑर्डर और लगा देते हैं, ठीक है अब लगाएंगे 300 क्वांटिटी का, कहाँ लगाएंगे 138, ठीक है मार्केट की रेट पे, ना ना कम नहीं, कम में नहीं जाना देखो कभी ज़िंदगी में, क्योंकि लॉस भी तो हम ऐसे ही लेते हैं ना बड़े बड़े, तो जब बड़े बड़े लॉस लेते हैं तो प्रॉफिट छोटे क्यों लेने, प्रॉफिट कभी छोटे नहीं लेने, प्रॉफिट हमेशा बड़े ही होने चाहिए, कभी छोटे प्रॉफिट नहीं होने चाहिए, ठीक है कटेगा तो ठीक है वरना अब तो लॉस होने वाला नहीं है ना, क्यों लाड लो। तो बस यही मार्केट है और यही एजुकेशन है, और देखो मार्केट, और यही चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर पब्लिक ग्रुप के अंदर भी आपको भी डाली है। आपको कैसा मज़ा आया, आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, और ये वीडियो दिखावे के लिए नहीं है, ये पर्सनल मेरा अकाउंट है, लॉस होता है उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, प्रॉफिट होता है उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, दोनों चीज़ मेरी होने वाली है। तो एक तरीके से मतलब हमने एक वजह थी हमारे पास ट्रेड लेने की, इसके बाद में एक अच्छी खासी मोमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी, तो मिली है हमें, जी हाँ मिली है, मार्केट गया है, तो बस ये है, बाकी ठीक देखते हैं, दिन भर हमारे पास ये पोजिशन होल्ड रहेगी। और अब मैं मार्केट में वर्क करने वाला नहीं हूँ, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है आप इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर पसंद आता है हमारा चैनल तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हर हर महादेव।